ये जो तोहफा है बहुत अनमोल तोहफा है, मामूली चीज है क्या? कभी सदियों में ऐसा हुआ है कभी आज से पहले? इतनी अनमोल चीज प्राप्त करने के लिए क्या आपकी तैयारियां पूरी है? इतनी बड़ी चीज को प्राप्त करने के लिए अगर हम तैयारी नहीं है तो क्या मिलेगी हमको? फिर ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। ठीक है, चंद लोगों को इनकम आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, क्या यही हमारा ध्येय है? और पैसा भी स्थायी नहीं रह सकता है। जितनी बड़ी चीज प्राप्त करनी हो उतनी बड़ी तैयारी होना बहुत जरूरी है। और आज जो भी साथी यहां पर बैठे हैं, एक निर्णय की घड़ी है ये। इतनी बड़ी चीज को प्राप्त करना है तो तैयारी हमको करनी पड़ेगी। और आर्थिक आजादी पाने के लिए तैयार है? आजादी की कीमत जानते हैं आप? आजादी क्या मुफ्त में मिल जाती है? कुर्बानियां देनी पड़ती है उसके लिए? क्या कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं? हमको आपकी जीवन की कुर्बानी नहीं चाहिए। जो मन में एक डर है कि पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वो डर की कुर्बानी दे सकते हैं आप? थोड़ा सा सोच के देखिए कि इस कुर्बानी देने से क्या चला जाएगा। मेरे मस्तिष्क में जब जुलाई 2000 में ये विचार आया था, जिस दिन ये विचार आया था उसके दूसरे दिन मैंने अपना वर्तमान बिजनेस जो मैं कर रहा था पूरा छोड़ दिया था एक क्षण में। वो रिस्क मैंने लिया था। रिस्क आपको लग सकता है, मेरे को तो रिस्क भी नहीं लगता था। वो एक रिस्क लिया था और इस अभियान के प्रति एक ऐसा अटल निश्चय किया था जिसको आज तक कोई मुसीबत डिगमगा नहीं पाई। तब से लेकर आज तक आरसीएम बिजनेस है तो आरसीएम बिजनेस ही है, और जब तक ऊपर जान जाएगी तब आरसीएम बिजनेस के अलावा कुछ नहीं है। मेरे को जो परमात्मा ने प्रेरणा दी है इस मिशन को, इस अभियान को भारत के घर घर में पहुंचाने की सारी तैयारियां, जितनी तैयारियां कंपनी कर सकती है वो मैं सारी की सारी पूरी करूंगा। आर्थिक आजादी अगर लानी है, सच्ची लानी है, तो आपको तैयार होना पड़ेगा। और परमात्मा ने हमको इतनी जो हसीन चीज दी है, अगर या तो आपको दिखी नहीं हो कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल माफ है, लेकिन किसी को ये चीज दिख गई हो और उसको पूरी ईमानदारी से निभा नहीं रहा है तो उसके जैसा गुनाहगार मैं किसी को नहीं मानता। परमात्मा आपको अवसर दे सकता है, काम आपको करना पड़ेगा। गाड़ी आपके सामने घर पे आके खड़ी हो सकती है, आपको ऊपर से खींच के लाके बिठा नहीं सकती है गाड़ी की। और परमात्मा ने दिल खोल के इतना लुटाया है, ऐसा सिस्टम दिया है खूबसूरत, और उसको हम लेने के लिए तैयार नहीं है, उसकी कद्र नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि क्या शब्द उपयोग किया जाए ऐसी हालत में। निर्णय हमको करना बहुत जरूरी है। किस बात का डर है ये मेरे को बताओ, आपको किस बात का डर है इसको करने से? क्यों हम खुल के काम नहीं करते हैं? क्यों छोटी छोटी चीजों से घबरा जाते हैं? बताइए कोई कारण हो तो। क्या बहुत कुछ है क्या हमारे पास जो चला जाएगा? जो हमारे पास जो है असली चीज, हमारा आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, नेक इरादे और इंसानियत का जो जज्बा है, उसको दुनिया की कोई ताकत छीन के नहीं ले जा सकती। हमको अपने स्वार्थों ने सीमाओं में जकड़ लिया है, क्योंकि हम अपने अलावा किसी का सोच ही नहीं पाते। अपना चेक, अपनी रॉयल्टी, अपना लाभ, इसके अलावा हम कहीं उस दायरे से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। और उस दायरे में रहोगे तो आपको इतना बड़ा संकल्प आप कभी कर भी नहीं सकते, ये मेरे से लिख लेना। अगर स्वार्थी बन के हम सोचेंगे तो बड़ा संकल्प कभी नहीं आ सकता।
ये जो सिस्टम बना हुआ है बिल्कुल विपरीत सिस्टम है। आज तक हम जो काम करते आए उसमें हमको स्वार्थी बन के सोचना पड़ता है, हम हमेशा अपना फायदा देखते हैं, कोई बिजनेस सर्विस कुछ भी करते हैं तो। लेकिन ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल विपरीत है, ये दूसरों का फायदा देखने का सिस्टम है, दूसरों से रिलेशन बनाने का सिस्टम है। लेकिन हमारी पुरानी जो आदत है वो कहीं ना कहीं इंटरफियर कर जाती है, करती है। पाना चाहते हैं आजादी या इसी तरह से अपना जीवन गुजारना है? अगर आर्थिक आजादी पाना चाहते हैं तो कुर्बानी देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। कोई भी मुसीबत आ जाए, कितना भी बड़े से बड़ा संकट आ जाए, तब भी हमारा जज्बात जुनून वो कायम रहना चाहिए। हमको इस आरसीएम के अलावा दूसरा कुछ अच्छा नहीं लगना चाहिए। ये जो अवसर है अगर इससे आप चूक गए तो फिर इंतजार मत करना किसी का, कोई और अवसर हमारे पास आ जाएगा। बाहर निकल के किसी को कोई कुछ मत कहना कि उसने अच्छा बोला है, बहुत अच्छा बोला था, बहुत अच्छा लगा, कोई मतलब नहीं उस बात का। आप कितना बदल पाए अंदर से उस बात का मतलब है। पैसे के लिए काम नहीं करना है बिल्कुल भी, न रॉयल्टी के लिए करना है, न टेक्निकल के लिए करना है। तैयार हैं? आज से आप काम करो सेवा के लिए कि हम कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सकते हैं। आज के बाद जीवन में किसी से भी राग द्वेष लड़ाई झगड़ा पैदा नहीं करेंगे, कर सकते हैं। आप लोगों को अपना बनाइए फिर देखो आपका बिजनेस कैसे चलता है। इसमें कमाई पैसा नहीं है, लेकिन अगर आपने लोगों को अपना बना लिया है तो वो लोग, उनका रिलेशन, उनका प्यार, उनका सम्मान और वो जो आपके लिए काम करेंगे रात दिन, वो इसमें असली कमाई है। अपने व्यवहार से, अपने आचरण से अपना बनाने के प्रयास कर देते हैं, सारी कोशिशें हमारी अपना बनाने की हो तो इस सारी ट्रेनिंग का जो मूल वो वहीं छिपा हुआ है। ढेर सारी बातें बार बार आ रही है कि हम जो सर्विस दे रहे हैं, जो अच्छा व्यवहार रख रहे हैं, उनका बिजनेस ज्यादा चल रहा है, उनका पीयूसी ज्यादा चल रहा है। किसी को भी अनायास रूप से अपना बना रहे तो उसके पीछे सैकड़ों हजारों की लाइन लग रही है। अगर हम ये थीम अपना लें कि सबको जो भी मिलता है उसको अपना बनाना है, एक ऐसा मधुर रिश्ता कायम करना है, इस थिंकिंग को अपना लेंगे तो बाकी की सारी किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। आरसीएम प्राणगीत कार्ड के पीछे जो 13 बिंदु दिए हुए हैं वो उससे उपजे हुए हैं, उस चीज से उपजी हुई अनेक सारी चीजें हो सकती है। विभिन्न भाषाओं में बड़ी बड़ी पुस्तकें आपको मिल जाएगी, लेकिन हर एक की जड़, अभी जैसे मैं पढ़ता हूं, हर ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूटर की उन्नति को अपना उन्नति समझें, है उसी से निकली हुई बात है। एक दूसरे का भरपूर सहयोग करें, यह भी बात उसी से निकली हुई है। कोई किसी के साथ छल कपट ना करें, ये भी उससे ही। सब एक दूसरे के साथ मधुर वाणी में बोले बोले वह उत्तम व्यवहार करें, आगे। कोई किसी को गलत शिक्षा न दे वह गुमराह न करें। अपने ज्वाइन कराए हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स को सफलता के लिए मार्गदर्शन देना अपनी जिम्मेदारी समझें। किए गए वायदों को अवश्य पूरा करें, क्योंकि वायदे पूरा नहीं करेंगे तो संबंध बिगड़ेंगे। छोटे बड़े का भेद पैदा न करें, सब आपस में सम्मान करें। बिना हक व बिना मेहनत की कमाई की आकांक्षा न रखें, इससे भी संबंध खराब होते हैं। झूठे तथ्य प्रस्तुत कर बिजनेस बढ़ाने का प्रयास न करें, वही बात आ गई ना, वही रिलेशन खराब होंगे। किसी दूसरे ग्रुप के डिस्ट्रीब्यूटर को अपने ग्रुप में लाने का प्रयास न करें, तो संबंध केवल अपने परिवार अपने ग्रुप से ही नहीं रखने हैं, सब जगह संबंध रखने हैं। इसका लॉन्ग टाइम में बहुत फायदा मिलेगा। हमेशा दूसरों की सफलता के लिए काम करें और बिजनेस नियमों का पूर्ण पालन करें, उल्टे सीधे तरीके न अपनाएं। उल्टे सीधे तरीके अपनाने से भी रिलेशन खराब होते हैं। और भी कोई भी शिक्षा आप किसी को भी बुला के देख लो, वो जो भी लाइन बोलेगा एजुकेशन के लिए, उसके पीछे एक ही चीज आएगी कि सबको अपना बनाएं, पूरी दुनिया को अपना बना लो। संभव तो है ना बनाना, अपना बनाना संभव है। एक ऐसा संगीत मैं तैयार करना चाहता हूं जो पूरा अच्छी शिक्षा से वो प्रेरित हो, जिसमें अभी प्रार्थना भी आपने सुनी है और भी गीत है, कल भी एक गीत प्रस्तुत किया था। एक गीत इसी बात को लेकर मैं बनाना चाहता हूँ, कल से ही मेरी भावनाएं पजरी है कि हम इस दुनिया में हर इंसान को अपना बनाने में लग जाएं। उसका मुखड़ा कुछ तैयार करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब भी अच्छा विचार आता है मैं तुरंत उस पर एक्शन शुरू कर देता हूँ। मुखड़ा सुनो।
अपना उन्हें बना लो जो भी मिले सफर में, अपना उन्हें बना लो जो भी मिले सफर में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया इस अजनबी शहर में, अपना उन्हें बना लो जो भी मिले सफर में।